Good morning, students. How are you? I hope you all will be fine. So today I am going to start your SST book, Geography lesson number 5, Praktik Vanaspati तथा वन्य प्राणी. Students, आपने अपने घर के आसपास देखे होंगे क्योंकि बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, झाड़ियां हैं, ठीक है. वो बिल्कुल सब जो है अलग अलग टाइप के होते हैं, एक जैसे नहीं होते हैं. अलग अलग टाइप के पेड़ होते हैं, छोटे छोटे पौधे होते हैं, झाड़ियां होती हैं, और जैसे बर्ड्स होते हैं, पक्षी होते हैं, जीव जंतु होते हैं, वो भी अलग अलग टाइप से के पाते हैं. वैसे जो हमारा देश है भारत, उसमें भी जो है बहुत सारी भिन्नता पाई जाती है. जैसे कि सब जगह तो एक जैसे पेड़ पौधे नहीं होते, एक जैसे जीव जंतु नहीं होते, पक्षी नहीं होते, वहां पे भी अलग अलग टाइप्स के जो है पाए जाते हैं, ठीक है. तो जैसे जो हमारा देश है वहां पे अलग अलग तरह के प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी पाए जाते हैं, ठीक है. अब जो है वो हमारा यहाँ पे वर्ड आया प्राकृतिक वनस्पति, कि प्राकृतिक वनस्पति होती है. तो जो प्राकृतिक वनस्पति वो होती है कि ऐसी वनस्पति, ऐसे पेड़ पौधे जो कि मानव की सहायता के बिना जो है अपने आप ही प्राकृतिक रूप से वाई नेचुरली जो है उगे होते हैं, उन्हें बोलते हैं हम प्राकृतिक वनस्पति, ठीक है. अब ये जो हमारी वनस्पति होती है, ये सारी जो है जगह पे एक जैसी होती है, मतलब अलग अलग होती है, ठीक है. अब जो ये अलग अलग होती है कैसे होती है, अब देखो कहीं पे जो है मिट्टी है, मिट्टी के कारण जो है, जलवायु के कारण जो है, वर्षा के कारण जो है, ठीक है, या तापमान कारण जो है अलग अलग पाए जाते हैं. अब फिर मिट्टी, अब जो फसल हमारा मिट्टी मृदा, ठीक है. तो मिट्टी के कारण कहीं पे जोड़ मिट्टी है, कहीं पे चिकनी मिट्टी, ठीक है, कहीं पे रेतीली मिट्टी, जो अलग अलग टाइप की मिट्टी है, तो वहां पर जो अलग अलग टाइप के जो है पेड़ पौधे या झाड़ी जो है वो गई, ठीक है. अब जैसे कि वर्षा हो गई, तो जहां पे ज्यादा वर्षा होगी वहां पे अलग अलग टाइप के जो पेड़ पौधे होंगे, जहाँ पे कम वर्षा होगी वहां पे अलग टाइप के. अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल से रेगिस्तान, ठीक है, तो वहां पे वर्षा बहुत कम होती है, तो वहां पे जो पेड़ पौधे होते हैं या झाड़ी होती है वो कांटेदार होती है, ठीक है. अब जो हमारा नेक्स्ट आएगा तापमान, अब जहाँ पे जो है ज्यादा तापमान होगा वहां पे अलग जैसी होगी, और जहाँ पे कम तापमान होगा वहां पे अलग जैसे होगी. अब जैसे तापमान सेम नहीं होता, कहीं पे ज्यादा गर्मी होती है और कहीं पे ज्यादा ठंड होती है, तो वहां पे जो है अलग जो है पेड़ पौधे उगेंगे, ठीक है. ये हो गया हमारे की वर्षा हो गई, तापमान हो गया, मृदा हो गई, या ऊंचाई हो गई, जिससे हाइट के अनुसार जो है जहाँ पे ऊंचाई ज्यादा होगा वहां पे अलग टाइप के पेड़ पौधे होंगे, ज्यादा हाइट पे देवदार चीड़ के पौधे होते हैं, ठीक है. कम हाइट में जो अलग टाइप के जो पेड़ पौधे या झाड़ियां होती है, ठीक है. तो ये जो हमारी वनस्पति है वो इन सारी चीजों का जो है इस पे अलग अलग प्रकार का प्रभाव पड़ता है. अब नेक्स्ट है हमारे वनस्पति के प्रकार, कि किस किस टाइप की जो है वनस्पतियां होती है, कितने प्रकार की होती है. तो फर्स्ट है हमारा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कंटीले वन तथा झाड़ियां, पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन. फर्स्ट है हमारा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन. अब जैसे कि इसके नाम से इंडिकेट हो रहा है कि सदाबहार मतलब ये जो इसमें जो पेड़ पौधे होते हैं ये हमेशा ही जो हमारे जंगल होते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती जो वन होते हैं, ठीक है, ये सदाबहार जो वन होते हैं वो मतलब हमेशा सदा हरे भरे ही रहते हैं. क्यों? क्योंकि इनमें जो पेड़ पौधे हैं, झाड़ियां हैं, छोटे छोटे जो पौधे हैं वो एक साथ जो है अपनी पत्तियां नहीं गिराते, ठीक है, अलग अलग टाइम में जो अलग अलग जो पेड़ पौधे वो अपनी पत्तियां गिराते हैं, जिसके कारण जो ये हमेशा हमें हरे भरे ही दिखाई देते हैं, ठीक है. अब जैसे इनमें हो गए जैसे रोजवुड, रबर हो गया, मोगोगनी हो गया, ये जो इसके पेड़ पौधे हैं, ठीक है. अब नेक्स्ट आया हमारा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन. अब ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, ये भारत के बहुत बड़े क्षेत्र में फैले हुए, ठीक है, इन्हें हम मानसूनी वन भी कहते हैं. अब ये जो पेड़ पौधे हैं ये क्या करते हैं कि जो शुष्क क्षेत्र में या शुष्क जो हमारी ऋतु होती है, ठीक है, उसमें जो आठ से या छह या आठ सप्ताह के लिए जो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, उसके बाद जो इनमें पत्तियां दोबारा से आती है, ठीक है. अब ये बात होते हैं हमारे झारखंड, पश्चिम उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, ठीक है, यहाँ पे जो ये हमारे पेड़ पौधे पाए जाते हैं. इनमें हो गए जैसे शीशम, साल, चंदन, ये जो पेड़ हुए इनमें पाए जाते हैं, ठीक है. नेक्स्ट हो गया हमारा कंटीले वन तथा झाड़ियां. अब जो हमारे कंटीले वन तथा झाड़ी ये हमारे उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पे जो है थोड़ा रेतीला होता है या फिर जो बारिश जो है बहुत ही कम होती है शुष्क क्षेत्रों में, ठीक है. अब इनकी खासियत क्या है कि इनकी जो पेड़ पौधों की या झाड़ी की जो पत्तियां होती है वो कांटेदार होती है, साइड साइड में कांटे होते हैं. क्यों? क्योंकि जिसके कारण जो है पौधों का जो ज्यादा वाष्पीकरण नहीं हो सकता, मतलब कि पौधों में से पानी ज्यादा उड़े ना,
जो कांटे होते हैं साइलम प्रोकेम के, वो पौधों के बाष्पीकरण उनको रोकते हैं। ठीक है, तो ये पाए जाते हैं हमारे से राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, यहाँ जैसे ये पाए जाते हैं। इनमें अब जैसे नागफनी जो हमारे पौधे पाए जाते हैं, इनमें नागफनी, खजूर, यूरो, यूफो, रबिया, ठीक है, ये पौधे जो है यहाँ पे पाए जाते हैं। और इनमें जो जानवर पाए जाते हैं वो सिंह, जंगली गधा, घोड़े। ठीक है, नेक्स्ट आ गए हमारे पर्वतीय वन। जैसे नाम से इंडिकेट होती है पर्वतीय वन, जो कि हमारे पहाड़ों में जो है मैक्सिमम पाए जाते हैं। जैसे देवदार हो गया, चीड़ हो गई, ये जो हमारे ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं, पहाड़ी एरिया होते हैं, वहां पे ही ये वन पाए जाते हैं। ठीक है, सबक्रूफ हो गया, सीडर हो गया, ये जो सारे यहाँ पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा मैंग्रोव वन। जो मैंग्रोव वन होते हैं वो हमारे तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं मैक्सिमम, जैसे कि जहाँ पे ज्वारभाटा आते हैं या रिवर या के किनारे, नदियों के किनारे ही ये पाए जाते हैं। ठीक है, अब जैसे कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, ठीक है, कृष्णा, कावेरी, इन नदियों के किनारे जो मतलब डेल्टा बनते हैं उनमें जो है इस प्रकार की जो वनस्पति जो है हमें मिलती है। ठीक है, और जो गंगा ब्रह्मपुत्र जो डेल्टा है वहां से सुंदर नाम का वृक्ष पाए जाते हैं, जिसको हम गंगा ब्रह्मपुत्र जो डेल्टा है उसको हम सुंदरवन डेल्टा के नाम से भी जाना। ठीक है, तो जो सुंदर वृक्ष होता है वो काफी मतलब इसकी जो लकड़ी होती है वो काफी हार्ड होती है, मजबूत होती है। ठीक है, अब यहाँ पे इस क्षेत्र में जो हमारा रॉयल बंगाल टाइगर जो प्रसिद्ध जो हमारा जानवर है वो भी पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि जो भारत का, सिर्फ भारत ही एक एक, एक अकेला एक ऐसा देश है जहाँ पे जो शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, जो हमारा गुजरात का जो गिर जंगल है वहां पे जो शेरों का जो एक प्राकृतिक आवास स्थान, ठीक है, प्राकृतिक रूप से जो है शेर वहां पे जो रहते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी।